मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने महिलाओं से उनके समूह के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है, आपको जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी सरकार आपकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो समूह की संख्या को बढ़ा सकती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा। आप सभी ड्रोन टेक्निक भैंस पालन करके दुग्ध उत्पादन कर सकती हैं, इससे बहुत सी महिलाएं अच्छा पैसा कमा रही। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ एक साथ संवाद बना करके उनके द्वारा नारी सशक्तिकरण के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मिशन शक्ति के अंदर जो पीएम मोदी की सोच है, नारी को सुरक्षा व सम्मान मिले और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबन का जीवन जी सके। गोरखपुर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए आज नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही है और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। यदि वह घर से बाहर नहीं निकलती तो वह महिला स्वयं सहायता समूह के साथ नहीं जुड़ पाती और वह समूह बनाकर कार्य नहीं कर पाती, उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा है और पीएम स्वामित्व योजना में महिलाओं को ही अधिकार प्राप्त होना है। उन्होंने कहा कि अब संसद व विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने हक व अधिकार के लिए आवाज सदन में उठा सकेंगी। आज की महिला बहुत आगे जाएंगी, उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समारोह के अभिभावक कहीं सब कुछ सर्वे सर्वर बहुत बहुत बारीकी से सोचना इस सब्जेक्ट के, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के जो सर्वाधिक लोकप्रिय वाणन समस्त भारत में जहां देखा है कि मुख्यमंत्री में वो ट्विटर व वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी सर्वे में हमारे महाराज जी का, अपने महाराज जी का हमेशा लोकप्रियता उनके कार्यशैली के बारे में पूरा विश्व चर्चा में कर, पूरे विश्व में अब चर्चा बाटे। हम साहब की जितनी नारी शक्ति हैं अपने महाराज जी के चरणों में वंदन करके कुछ जोरदार ताली से महाराज जी के स्वागत आप लोग जरूर करें। ताली लगी के चाहिए, नारी शक्ति बैठी है, बताओ नारी जाग गई है इस भारत में, इस नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की सरकार डबल इंजन में नारी अब जाग गई, अब दुर्गा बन गई है। ऐसे में मंच पर आसीन श्रीमती साधना सिंह माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत के स्वागत, डॉक्टर मंगेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर के स्वागत, यहाँ मारती है 10 के 10 गोली खोपड़ी में मारती है, भूल जाएगी कल ज्यादा। हमारी बेटी कलाकार है, एक्ट्रेस है, हमारी बीच वाली बेटी प्रोड्यूसर है। हम जितना निश्चिंत घूमते हैं हमारी बेटियों के वजह से, पूरा संभाल ली हमारा एम्पायर बम्बई में, हम कभी सोचे नहीं थे और बहुत कम उम्र है सबकी, कौन ढेर उम्र नहीं था उन लोगों की। बिटिया हमार कुल पीड़ा हटा लेने की, पापा नहीं जो उनका रथ हुआ तू करा, हम पढ़ाए इसीलिए आज बेटी हमारी काम करने लगे। हम पढ़ाए बड़े ध्यान से, फर्स्ट थिंग कि ना यू हैव टू स्टडी फिनिश योर ग्रेजुएशन, जरूरी है पढ़ना, जब पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे समाज में, कुछ नहीं कर पाओगे। एजुकेशन नहीं, अध्यात्म नहीं, ज्ञान नहीं, किताब नहीं पढ़े हो फिर तो आप बोका जी से मुंह बाके कोई चार आदमी बतिए बस मुंह तक होगा ना कुछ बोल पाई हूं। अब चूल्हा चौका करे नहीं है भाई कि जब लड़की पैदा हुई है तो ब्याह हुई तो चूल्हा चौका करियो, गया था समय, ये मोदी योगी जी का युग है। कोई जरूरत नहीं है कि ब्याह हो और चूल्हा चौका करेगी, नहीं पड़ी है, काम भी करेगी, रोटी भी बनाएगी, काम भी करेगी, घर के पति के साथ चलेगी, देश के साथ चलेगी। आज 50% महिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं,
महिला नारी सशक्तिकरण करो, साथ में देश बढ़ेगा, आप लोगों के आगे बढ़े आत्मनिर्भर भारत। बात तेरा कोटा जब बाहर देखा, हर महिला के काम बा, हर हाथ में हुनर, हर बेटी को हाथ में हुनर दो, अपनी बेटी लोगन के हुनर जरूर सीखिए। मैं माँ दुर्गा सोम से। कितने लोग हैं इसमें? 20 लोग हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, इस ये जो है सभी लोग दुकान ही चलाते हैं, कुछ और भी काम? कुछ लोग भैंस भी ली हैं। अच्छा। इसी पैसे से। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है। अच्छा, तो 1 लाख मिला, फिर दूसरा बार हुआ तो 3 लाख मिला था। सामान जो दुकान आप खोले हैं, कितनी बिक्री हो जाती होगी महीने में? कहाँ रहते हैं आप? सर, हम जंगल अहमदलीसा ग्राम सभा से हैं, विकास खंड चरगावा ही है। हाँ, जान रहे हैं। जी सर। जागरण समूह आपका है? जी सर। क्या करते हैं इसमें आप? सर, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ, और फंड लेकर हमने पतंजलि जनरल स्टोर का दुकान खोला है। कितने लोग हैं आपके समूह में? हमारे समूह में सर पहले 11 लोग थे, अब 18-19 लोग हो गयी हैं। सैलून का दुकान खोली है, ठीक है। सबसे अच्छा उनका भी चलता है, रोज का उनका 1000-1200-1500 रोज का उनका होता है। जी सर। बहुत सुंदर। सभी लोग अपने पैरों पे खड़े हैं? जी सर। जी सर। सभी लोग कमाई कर रही हैं? सब लोग। और मिलकर के फिर आप लोग आगे काम करते हैं? सीसीएल अभी हुआ है जुलाई में, 1.5 लाख मिला था, और सीआईएफ का भी फंड मिला, रिवाइवल फंड भी मिला था। बहुत सुंदर। और पहले हम लोग 10 रुपए साप्ताहिक बचत करते थे 2 वर्षों तक, उसके बाद जब हम लोग निर्भर हो गए तो उसको 25 रुपए हफ्ते कर दिए। अभी हम लोग 2024 जनवरी से 500 मंथली कर दिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। समूह गोपाल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। जी सर। कितने लोग हैं इसमें? 18 लोग हैं सर। क्या काम कर रहे हैं? सर, कुछ लोग सब्जी का तो ये सब बिक जाता है। हाँ, बाजार में। जिन लोगों ने गाय भैंस लिया था तो गाय भैंस दूध भी देती है? जी। और दूध कहाँ देते हैं लोग? मार्केट में 60 रुपए लीटर भैंस का। अरे वाह। जी। तब तो बहुत अच्छा चलता होगा फिर। जी सर। ठीक है। कितना पैसा कमा लेते होंगे प्रत्येक समूह से जुड़ी हुई महिला महीने में? 10 से 15 हजार रुपए तक तो। 10 से 15 हजार रुपया? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जदा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बांसपार में। जी सर। बहुत अच्छा है, और भी लोगों को प्रेरित करिए। जी सर। मैं बहुत बहुत सर, मैं 98 से समूह पे कार्य कर रही हूँ। क्या काम कर रहा है आपका? सर, मैं समूह का निर्माण करती हूँ, पहले ब्लॉकों पे भी करती थी और शहरी क्षेत्र में डूडा के माध्यम से करती हूँ, एनुएलम में। सर, पहले समूह पे जो हम लोग काम करते थे, समूह को बहुत चीजें नहीं बता पाते थे क्योंकि सरकार उसका साथ नहीं देती थी और उनको खुद भी जागरूक नहीं होती थी, पर जब से सरकार आपकी आई, मोदी सरकार आई, सर समूह इतना जागरूक हो गया है कि अपना उत्पादन कैसे करना है, सामान को कहाँ बेचना है, और वो जगह जगह सामान का बिक्री भी वो स्वयं करती रहती है, उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। 10,000 महिलाएं मेरे साथ। 10,000 महिलाएं? जी सर। ये सभी लोग किसी न किसी कार्य से जुड़ी हुई है? जी सर, कार्य से जुड़ी हुई है, कार्य कर रही है। जो कुछ महिला ऐसी भी है जो आपसे लेन देन कर रही है, जो ब्याज पहले ब्याजों पे पैसा लेती थी वो समाप्त करके अपने से ही पैसा वो बैंक की तरह। सर, अपने एनजीओ से सर शहरी आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह महिलाओं का गठन करती हूँ। क्या करते हैं आप लोग इसमें? सर, इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, उनको तमाम जो सुविधाएं उसके बारे में बताया जाता है, और सर इसमें महिलाएं मिट्टी की ज्वेलरी और झूमर और मूछ का काम, सर अचार पापड़ तमाम तरह के काम भी करती है। दिक्कत होता है महिला, अलग अलग लोग अलग अलग काम शुरू करेंगे, आप में से किसी ने एफपीओ का गठन किया? शहर में नहीं है सर। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में। जी सर। ग्रामीण क्षेत्र में तो कर ही सकते हैं। जी। छोटे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। जी सर। उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण भी किसी ने भी लोग लेंगे तो वह भी एक माध्यम बनेगा। यस सर। और जैसे बहुत सारे समूहों में महिलाओं ने गाय या भैंस पाला है, जी जी सर, दुग्ध समिति का गठन करके चीनिंग प्लांट लगाना और फिर उसको डेयरी तक पहुंचाने का कार्य करना,
बहुत पैसा उसके माध्यम से कमा सकते हैं। फेडरेशन के निर्माण का कार्य कौरिया से विद्युत सखी पिपरौली से बबीता जी जंगल कौड़िया से कुमारी शमीम एजाज जी सवेरा सेवा संस्थान से नारी शक्ति को जिन्होंने अपने क्षेत्र शक्ति सम्मान समारोह के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जनपद भर से आए हुए महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहां पर अलग अलग महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़ी हुई नारी शक्ति के साथ एक संवाद बना करके उनके द्वारा नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि नारी को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले और वे अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जी सके। गोरखपुर की महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आज नारी बंधन जो शक्ति बंधन अभियान है, इस शक्ति बंधन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती तो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है, पीएम स्वामित्व योजना में मालिकानाधिकार महिलाओं को प्राप्त, प्रदेश सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अप्रैल से हम उस राशि को 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। कोई बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक के पैकेज की व्यवस्था हम करते हैं। अभी तक 17,00,000 से अधिक बेटियों को इस योजना से हम जोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 3,00,000 से अधिक बेटियों की शादी इससे अब तक संपन्न हो चुकी है। यानी एक एक योजना को जोड़ने का काम पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,00,000
महिलाओं को जहां पे घर है वहीं पर उनका जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाना, यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और टेक होम राशन में हर विकास खंड में प्लांट लगा करके पोषण अभियान के माध्यम से अच्छा आहार महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं तैयार करके वितरित करेगी, मुनाफा भी अपना कमाएगी, यह भी है। वीसी सखी, बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी, बैंक की कमी को दूर भी कर रही है और गांव की एक बेटी या गांव की एक बहू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही है। स्नातक की शिक्षा बालिकाओं के लिए फ्री है, उसके बाद भी भेदभाव हो इसको हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह नारी वंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान का जो समारोह है, इस समारोह इसी बात को प्रदर्शित करता है कि कार्य हुआ है तो हम उसको बोले और उसको बोल करके अन्य लोग जब तक इससे लाभान्वित हुए उनको भी लाभान्वित करने का प्रयास करें और जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं वो बोले, जिससे सरकार को भी ये पता लगना चाहिए और पब्लिक को भी पता लगना चाहिए कि सरकार की ये योजनाएं चल रही थी, इन योजनाओं का लाभ इस रूप में लोगों ने प्राप्त किया है। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबकी क्या भूमिका होनी है, इसके पीछे का उद्देश्य की है। आजादी का यह अमृत काल है, पहला वर्ष है आजादी के अमृत काल का, प्रथम वर्ष। अगले 25 वर्ष के अंदर जब 2047 में यह देश अपनी आजादी के 100वां वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत का सपना साकार हो सके इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। वह किसान खुशहाल हो और आत्मनिर्भर भी हो, नौजवान के हाथों को काम मिले, वह नए तरीके से सोच उसके आगे बढ़ सके, आधी आबादी अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके बल्कि वह भी सुरक्षित रह सके, सम्मान प्राप्त कर सके और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अभियान है। और उस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है, सशक्त होती है, तो परिवार स्वतः ही आत्मनिर्भर और सशक्त हो जाता है। परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त होता है तो सोसाइटी पर इसका असर पड़ता है, सोसाइटी सशक्त और सम्मानित होती है। सोसाइटी अगर सशक्त है तो देश की समृद्धि और उसकी प्रगति को कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है।